Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे फिर से एक बार। मैं श्रवण, आपका दोस्त और होस्ट। आज मैं इस वीडियोस के थ्रू दिखाने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैंने एक नया मोबाइल खरीदा है ना, सैमसंग गैलेक्सी M31। पहली सेल में हमने उसको परचेज करा है, तो देख सकते हो है ना, ये रहा मेरे पास M31। इसका करेंगे अनबॉक्सिंग और आप लोगों को दिखाऊंगा इसका सारा व्यूज है ना, और इसका फीचर वगैरह सारा चीज़ बताता हूँ कैसा है। तो गाइस देख लो इसमें से क्या निकला है। ये रहा मोबाइल की बॉक्स M31 है ना, और इसमें है एक हमारा जो बिल, ये कार्ड, ये रखना होगा हमें वारंटी वगैरह के लिए। देखते हैं बॉक्स खोलते हैं ना सबसे पहले। सो गाइस निकल रही है, देख लो। यस, सबसे पहले निकला ये रहा फोन। इसको रखते हैं फिलहाल साइड में, पहले देखता हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ है। ठीक है, एक मिलता है चार्जर जो कि 15 वाट की है, फास्ट चार्जिंग है ना, जिससे आपकी मोबाइल बहुत जल्द चार्ज हो जाएगी। तो सैमसंग की एक सी टाइप केबल है चार्जिंग करने के लिए। और गाइज ये है सिम इजेक्टर कूल, और कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं दिया है इसमें, केस नहीं दिया हुआ है ना, कवर केस। कवर को करते हैं रिमूव। वाओ, लुक देखो भाई, क्या प्रीमियम लग रहा है, क्या शानदार लुक। मैंने ब्लू कलर मंगाया है, और इसके एक दूसरी कलर भी आती है जो ब्लैक होती है, तो मैंने ब्लू लिया है ना। तो आप देख सकते हो क्या मस्त शानदार लग रहा है मोबाइल। सो गाइज सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हेडफोन जैक मिल रहा है ना, USB सी टाइप केबल मिल रहा है, केबल के लिए चार्जिंग का वो है, और इधर है माइक, और ये नॉइज कैंसिलेशन के लिए, ये नोटिफिकेशन लाइट, और इधर मेरे को सिम स्लॉट है जो अभी मैं दिखाता हूँ क्या है, और ये आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, एंड ये पावर ऑफ एंड ऑन बटन। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं सिम के क्या है इसमें। तो गाइस ये है डेडिकेटेड सिम स्लॉट, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ की बेनिफिट होगी कि दो सिम के साथ साथ आप एक मेमोरी भी लगा सकते हो। तो सबसे बड़ी बेनिफिट पॉइंट है, बहुत सारे मोबाइल में क्या होता है कि आजकल केवल सिम स्लॉट दे देगा या फिर एक सिम स्लॉट और एक मेमोरी कार्ड का देता है, तो ये आपको प्रॉब्लम होते रहता है, तो इसका आपको इसमें नहीं होने वाला है, तो ये आपको बेनिफिट है यहाँ पे एक चीज़। अब गाइस बात करें हम इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो इसमें आपको कलर जो होते बहुत ही अच्छा दिखेगा, और 6GB का रैम है, ये मेरा जो वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में है, और यहाँ पे वाटर नॉच ड्रॉप दिया है ना, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, तो इस पर आपको है ना ये स्क्रीन गार्ड लगाना पड़ेगा एक है ना, जो आपके मोबाइल को सेफ्टी प्रदान करेगी। और क्या इसके बाद बात करूँ हम इसके बैक की, तो ये पॉलीकार्बोनेट की इसकी बैक ग्लास दिया हुआ है, बैक कवर है, जो कि ग्लास्टिक होता है, मतलब प्लास्टिक और ग्लास का कॉम्बिनेशन से मिलके बनाया होता है ना, जो कि दिखने में पूरा आपको ग्लास की तरह लगेगा, बट आपको अलग से इसका कवर केस लगाना जरूरी होगा, नहीं तो आपको ये डैमेज होने की डर होती है। ठीक है, तो और ये जो गाइज ये काम कर रहा है 1.UI2 वर्जन है, और एक्जिनोज 96113 ओक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है ना, जो कि उस पर काम करता है, अच्छा प्रोसेसर है जिसपे आप अपना गेम वगैरह पबजी वगैरह खेल सकते हो है ना। और बात करते हैं गाइज इसके फिंगरप्रिंट, तो ये फिंगरप्रिंट है यहाँ पे है ना, बैक फिंगरप्रिंट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दिया हुआ है, तो 15,000 में क्या चाहिए है ना, वो भी सैमसंग की ब्रांड दे रहा है यार। गाइज 32 मेगापिक्सल की इसकी सेल्फी कैमरा दी गई है हमारे सुंदर थोपड़े की पिक्चर लेने के लिए, और बैक में देख सकते हो यहाँ पे 4 कैमरा दिया गया है ना, और ये सैमसंग की ब्रांडिंग लोगो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे अब कैमरा की है ना, तो कैमरा देख सकते हैं आप, प्राइमरी कैमरा जो इसकी है ये 64 मेगापिक्सल का है ना, उसके बाद ये अल्ट्रा वाइड के लिए 8 मेगापिक्सल दिया गया है, 5 का डेप्थ दिया गया है, और 5 का माइक्रो कैमरा दिया गया है। ठीक है, जिससे इसकी कैमरा ही सबसे खास है इस मोबाइल की, और एक चीज़ है कि इसकी बैटरी बैकअप जो दिया गया है ना, इसकी 6000 mAh दी गई है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा मेगा मॉन्स्टर इसको कहा गया है कि सैमसंग ने मेगा मॉन्स्टर कहा इसलिए क्योंकि इसकी 6000 mAh बैटरी है, जो आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। अगर नॉर्मल लाइफ में आप नॉर्मल आप यूज़ करते हो तो 2 दिन चल जाएगा, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो फिर आपको यही 1 से 1.5 दिन तक तो चल ही जाएगा नॉर्मल। इतना कम रेंज में आपको इतना सारा चीज़ मिल रहा है गाइस, तो बहुत बढ़िया है ना, सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ में आपको ये मोबाइल मिल रहा है, तो हम करते हैं इस मोबाइल को बूट। मैं कुछ वीडियोस प्ले करके दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले में देख सकते हैं आप कितना मस्त आ रहा है ना, जैसे लग रहा है कि LED LCD में जो देखते हो आप, 4K वीडियो में चला रहा हूँ है ना,
ये इसमें 4K वीडियो आपको सपोर्ट करेगा, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे उस समय भी आपको 4K वीडियो सपोर्ट करेगा, है ना, फ्रंट से भी और रियल से भी। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आपके लिए ये मोबाइल परफेक्ट है ना, आप परचेज़ कर सकते हो। कलर देख सकते हैं आप कितना मस्त लग रहा है कि हाँ एकदम मतलब रियल कलर है, जैसे आप किसी LCD वगैरह में देखते हो, फुल HD है ना, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जिस जो आपकी आंखों पे कम इफेक्ट भी डालती है। तो अब इसको चार्ज बैटरी बैकअप भी अच्छा है ना, बैटरी बैकअप कम भी खाएगा जब आपकी सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगी है। तो बैटरी जो इसका ना आपको 2 से 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। गैस बात करूँ मोबाइल के ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो मुझे मोबाइल काफ़ी अच्छा लगा है ना। मोबाइल में मैंने 2 घंटे वीडियो देखी, मेरे को हीटिंग का कोई इशू नहीं आया। मोबाइल की कैमरा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी दिख रही है। हमारे द्वारा कुछ ली गई फ़ोटो सैंपल है, देख सकते हैं, सेल्फीज ली गई है, कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ है, कुछ मैंने कस्टर्ड का फ़ोटोज़ ले रखा है, और कुछ देख सकते हैं मैंने गार्डन से कुछ फ़ोटोज़ ले रखा है ना। तो वीडियो की क्वालिटी और फ़ोटोज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है ना। मैं प्रिपेयर करूँगा कि आप मोबाइल ले सकते हो। सो गाइस देख सकते हो अभी मैं इस कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ है ना मोबाइल के, तो वीडियो स्टेबलाइजेशन देख सकते हो आप कितना मस्त है। मतलब हम चलते हुए वीडियो बना रहे हैं है ना, आप थोड़ा दौड़ते भी है थोड़ा सा, तो दौड़ के वीडियो दिखाता हूँ हिलता कि नहीं है। हम दौड़ रहे हैं है ना, दौड़ के ले रहा हूँ, रियल कैमरा 64 मेगापिक्सल का ये वीडियो है ना। क्वालिटी तो भाई देख सकते हो बहुत शानदार है भाई, सैमसंग की क्वालिटी के मामले में कोई टक्कर नहीं दे सकता, आपको भी पता होगा। तभी मैं दौड़ के बना रहा था ये वीडियो है ना, देख सकते हो आप स्टेबलाइजेशन इसका भी। सो गाइस सुबह हो रही है, मैं अभी फ्रेश हुआ था, अच्छा से नहीं हुआ, अभी मैं बना रहा हूँ फ्रंट कैमरा से है ना वीडियोस, तो देख लेना दौड़ भी रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, स्टेबलाइजेशन का कैसे क्या मैं देखता हूँ अभी है ना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में, बाय बाय।